तो रीजनल माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन सीखा था। सेकंड प्रोजेक्ट में हम फाइल एंड शीट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मुझे साल का डेटा डाउनलोड करना है, एक साल का डेटा डाउनलोड करना है। अब एक साल का डेटा जो डाउनलोड करना है वो हमें क्या करना है कि 365 शीट्स में करनी है, हर दिन का एक शीट। लेकिन 365 शीट्स हम एक फाइल में अरेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक फोल्डर हो, एक हमारा फोल्डर हो, उस फोल्डर में 12 फाइल बने, समझे? मंथ के हिसाब से 12 फाइल बने और हर फाइल के अंदर 365 शीट्स होने चाहिए, सॉरी उसके मंथ के हिसाब से शीट्स होने चाहिए। अगर जैन है तो 31 शीट, फैब है तो आपका 28 शीट। तो 2021 फोल्डर के अंदर में हमें जैन से लेके दिसंबर तक का फोल्डर बनाना है और इसमें 31 शीट, इसमें 28 शीट, इसमें 31, इसमें 30। ऐसे करने हैं जी। समझे? ओके। तो टोटल मतलब कि 365 शीट को हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं कितने में, 12 फाइलों। तो चलिए इसके लिए हम विजुअल बेसिक कोडिंग करते हैं। तो इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहां पे देते हैं सब्जेक्ट सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है जी। नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो आपके ऊपर है। ओके, नाम पहले नहीं दे सकते हैं। प्रोजेक्ट टू सही भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे कितने फाइल चाहिए, 12 फाइल। तो यहाँ पे मैं लिखा वर्क बुक्स डॉट एट डॉट सेव एट, और कहाँ सेव करना है, तो मेरे पास 2021 का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है ई ड्राइव के, ठीक है ये। इसके अंदर मैं एक डेटा बनाता हूँ यहाँ पे 2021 के नाम से मैंने बना दिया, मुझे इसके अंदर सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया सेव एज स्लैश नेम जो होगा यहाँ पे जैन डॉट एक्सलेस एक्स, बट ये तो एक ही फाइल बनाएगा सर, मुझे इस लाइन को 12 बार लिखने होंगे जी। कॉपी पेस्ट यहाँ पे फैब, फिर कॉपी पेस्ट यहाँ मार्च, लेकिन इस तरह के 12 फाइलें हैं और फिर सीट में आपको 365 शीट का लाइन डालना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा ना सर। तो हमें इस कोड को कितना बार रन करना है, इस कोड को 12 बार रन करना है जी, समझे सर जी। तो 12 बार रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लूप लगाएंगे हम कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12। नेक्स्ट आई क्या करेगा, आपका जो फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी कोड होंगे ना सर, उसको 12 टाइम रन करेगा। अभी आई क्या है, आई काउंटर है, एक काउंट करता है कि कितना बार लूप चल चुका है, एक तरह से वेरिएबल है, एक्स वाई जेड आप लेते हैं ना वेरिएबल। देखिए चलिए, देखिए आई पहले फर्स्ट टाइम में 1 है, सेकंड टाइम में 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद जैसे 13 हुआ तो नेक्स्ट ने इसको लूप से बाहर फेंक दिया, राइट सर जी। तो जितना बार चला उसके अंदर के कोड को उतना बार रन करेगा। तो मैंने इस कोड को डेट कर दिया था ना, कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी, हर बार तो जैन नाम का ही फाइल बनाएगा ना
क्या? तो जी तो यहाँ हार्ड हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था, मैं यहाँ पे लेता हूँ n इक्वल टू मंथ नेम, हमने लास्ट टाइम बताया था आपको जी मंथ नेम, इसमें आई दीजिए और इसमें दीजिए फॉल्स, ये क्या करेगा जैन फाइव में कन्वर्ट कर देगा नंबर, और यहां पे हम n को लेते हैं और कॉनिक डालनेट करते हैं। अब मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, 12 फाइल एक बार बनाने की, हर मंथ के अलग अलग से, ईयरली के मंथ के अलग अलग से, क्या सर? ये फॉल्स क्यों दिया हुआ है मंथ में? फॉल्स दिया इसलिए क्योंकि ये जनवरी पूरा नहीं दे, सिर्फ जैन लिखे, समझे? पूरा ओके जनवरी ना लिखे, सिर्फ जैन लिखे, ओके, तो राइट? मंथ नेम कोई फंक्शन है शायद। हाँ, मंथ नेम फॉर्मूला है, मैं लास्ट वाले प्रोजेक्ट में बात की थी इसके बारे में। आपके पास जो मंथ है नंबर में है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर्स में, मुझे इस नंबर्स ओके को जैन पाया मार्च अप्रैल मई में कन्वर्ट करना है, और ये जी फॉर्मूला हमारा वीवीए का फॉर्मूला है, ना कि एक्सेल का फॉर्मूला, ये एक्सेल हाँ पे वर्क नहीं करेगा, मंथ में फॉर्मूला एक्सेल पे नहीं आता है। हम्म, और मंथ को नेम में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल का फॉर्मूला ली, तो हमने वीवीए फॉर्मूला यूज किया मंथ में, ठीक है? शायद आपको ये ध्यान नहीं है, लास्ट के प्रोजेक्ट में मैंने बताया था कि अगर आपको 1, 2, 3 के जगह पे जैन का चाहिए तो मंथ में यूज कर सकते हैं। मंथ और डेट लिखा था ब्रैकेट में हम लोगों ने। ओ ई ओ ई ओ डेट मंथ का, अच्छा ई ओ मंथ एंड ऑफ द मंथ, उसका भी यूज करेंगे आप, ठीक है? ओके इन शॉर्ट समझ में आ गया ना आपको सर? जी कोई डाउट तो नहीं इस लाइन मैं में? वही प्रीवियस वो प्रोजेक्ट का मैं सोच रहा हूँ, जैसे ईयर मंथ और डेट हम लोगों ने तीन वेरिएबल लिए थे। जी वो तो सिस्टम डेट से था ना, यहाँ पे सिस्टम जी डेट यूज ही नहीं करना है ना हमें, तो फिक्स है, अच्छा जी हमने ईयर मंथ डेट से लिया क्योंकि मुझे सिस्टम डेट से ईयर चाहिए था, मंथ जी चाहिए जी था, डेट चाहिए, जी जी पर यहाँ तो हाँ मुझे हर हर डेट का यूज करना है ना, हर हर दिन का यूज जी करना है, ओके जी समझिए? दोनों प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है ना। ओके तो ये मंथ नेम मतलब थोड़ा अलग है ये बार थोड़ा। हाँ, मंथ नेम एक फॉर्मूला है, जैसे आपने जी इससे पहले के ईयर मंथ डे निकाला था ना, ऐसे जी ये जी भी एक फॉर्मूला है, ओके ईयर ने ईयर डेट से ईयर पिक करता था ना, जी तो मंथ नेम क्या करता है, इसके नंबर जो आप 1, 2, 3, 4 देंगे तो 1 देंगे तो जन्म जैन में, 2 देंगे तो फाइव में, 3 देंगे तो मार्च में अच्छा कन्वर्ट करें। अच्छा हाँ, 1 हुआ तो यहाँ पे जैन आएगा, टू जी यहाँ पे टू होगा तो फाइव आएगा, जी थ्री होगा तो मार्च आएगा, इसी तरह से पूरा साल का दिखाएगा, ठीक है? और ये ठीक है। फॉल्स हटा देंगे तो जनवरी फरवरी कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। अब समझे? जी समझ आगे गया बढ़े। जी अभी जो फाइल हमने एक्टिवेट किया, अभी यहाँ पे पहुंचते हैं, यहां से चला इसने, इसने लूप लूप का स्टार्ट किया, इसने मंथ जनरेट किया, फाइल क्रिएट करके सेव कर दिया, अभी वही फाइल ओपन है, मान लीजिए फर्स्ट में मान लीजिए 1 है, जैन है, एन इक्वल टू जैन मान लीजिए कि जैन ओपन है, राइट? अब मुझे जैन के अंदर शीर्ष ऐड करने, वो भी उसके हिसाब से, समझे? तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है डेट का, क्या होता है डेट, इसमें मैं ईयर डाल देता हूं, ईयर डाल दिया मैंने, इसमें मंथ डाल दिया और इसमें हम कोई भी डेट डाल देते हैं, तो क्या करता है इस महीने डेट क्रिएट कर देता है, कर दिया सर जी। और उससे ही ईओ मंथ है जो कि इस महीने की लास्ट डेट बताता है कि ये जो महीना आपने सेलेक्ट किया है इसका लास्ट डेट कौन सा है, ठीक है जी। और एक डेट फॉर्मूला है कि जिसमें से लास्ट डेट अलग, तो मतलब कि मेरे पास 1 क्या आई क्या है, आई इक्वल टू 1 है मान लीजिए, तो 1 हमारे पास मंथ है, सबसे पहले मुझे डेट फॉर्मूले की मदद से 2021 का एक डेट बनाना है, फिर उस डेट पे ईओ मंथ फॉर्मूला लगा के
उस डेट का लास्ट मंथ भी क्रिएट करना है, लास्ट डेट क्रिएट करना है, और फिर उस लास्ट डेट से डे अलग करके उतने शीट मुझे ऐड करने हैं, समझे? तो मुझे यहां जो शीट ऐड करनी है वो करनी है sheets.add, ठीक है? ऐड में यहां काउंट है, काउंट में मैंने यहां पे बोल दिया sheet31-sheets.count. अब यहां पे sheet.count को किया मैं ऑलरेडी शीट वन पे है हम, नहीं सर, जब नई फाइल क्रिएट होती है ना सर, एक में कोई एक दो तीन शीट पहले से होता है ना, क्या शीट वन होता ही उसमें एक हो, या किसी में तीन होते हैं, किसी में एक होते हैं, जिसे सेटिंग चेंज कर लिया तो पांच भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मेरा जो लॉजिक ये है कि मेरे पास हर फाइल में उतने ही शीट होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो हमने यहाँ 31 शीट जनवरी का निकाला कैलकुलेट करके, उसमें से जो पहले से शीट था वो माइनस कर दिया, तो जितने शीट चाहिए जिससे 31 शीट हो जाए उतना कैलकुलेशन होगा और शीट ऐड उतना शीट ऐड करेगा, समझे जी? बट ये 31 कैसे आएगा ऑटोमेट? हमने एक फिल्टर कर लिया, अब चलिए इसको करते हैं किसके इस सिस्टम कोड में। हम बोलते हैं डी इक्वल टू डेट सीरियल, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला डेट का होता है ना, ऐसे यहां पे डेट सीरियल, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, डेट सीरियल आई ए एल ये काफी रहा है, अच्छा यहाँ कमेंट डेट सीरियल। तो ये जो मैनुअली वन जो हमने लिया, इसके जगह हम क्या लेंगे आई, तो हर बार जब भी लूप चलेगा तो टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो डेट बन गया। लेकिन मुझे तो इसके अंदर से इसको जो है ईओ मंथ में डालना है ना सर, बट ईओ मंथ जो है डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें ईओ मंथ का फॉर्मूला भी नहीं पता है क्या होना चाहिए इसमें। इसको हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट हम इसको ईओ मंथ डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, ठीक है सर जी। इसके अंदर वो डेट डालते हैं और यहां से कॉमा जीरो कर देते हैं, तो ये क्या बन गया कि ये डेट सीरियल डेट देगा जी, और इसमें से लास्ट डेट को अलग कर देगा। तो हम यहां तक बात की ना सर 31 जनवरी तक, देखिए मुझे सिर्फ 31 चाहिए, तो इसको हम डे के अंदर में डाल देते हैं। जैसे एक्सेल में मल्टीपल फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऐसे यहां भी मल्टीपल फॉर्मूला लगाया जा सकता है। 31 आया, अब जो 31 है ये डी के अकॉर्डिंग है, डी पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है सर जी। तो अब मेरा जो फॉर्मूला बन गया है कि वो 12 शीट ऐड करेगा और हर शीट के अंदर उसके मंथ के हिसाब से उसका शीट ऐड कर देगा, समझे? लेकिन ये एक डाउट है, डेट सीरियल में 2021, I, 1 क्यों लिया? अगर 1 मतलब वो तो सर यहाँ पे डेट लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे डेट का फॉर्मूला था ना, अगर मान लीजिए कि मुझे डेट बनाना है तो इसमें डे में कुछ लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, डे का ही 1 है वहाँ पे, ओके okay. ठीक है जी, आपको डाउट? और आपने वर्कशीट फंक्शन ले लिया तो वो एक्सेल का फंक्शन ले रहा है वीबीए में, तो वैसे ही
जहाँ पे डायरेक्टली एक्सेल के फंक्शन नहीं लेते, वहाँ पे वर्कशीट फंक्शन लगा के जी कुछ कुछ कर जी सकते हो? जी हाँ जी हाँ, ओके ठीक है, आगे ओके बढ़े। जी अब हर सीट का नाम 1 2 3 4 5 इस तरह से रखना है। तो सीट का नाम इस तरह से लिख सकते हैं सीट्स, और हमें सीट का प्रॉपर्टी नेम कैसे नेम तो पता ही नहीं है क्या, तो सीट वन डॉट नेम इक्वल टू वन, ठीक है, पहले शुरू कर देगा। अब ऐसे इसको भी नीचे 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 पेश करेंगे, 2 3 4 5 6 7 करना है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हर महीने का अलग अलग है। तो यहां पे भी हम लूप लगाएंगे कि फोर डी डी नहीं सर जे जे इक्वल टू चले 1 2 डी और फिर नेक्स्ट जे, और यहां पे हम दे देते हैं जे और यहां पे दे देते हैं जे, और बाद में हम फाइल को सेव करते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, और फिर यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। अब हमारा फाइनल हो गया। अब देखिए चलिए हमें वन बाय वन इसको रन करते हैं, एफर्ट किया। अब देखिए आई वन है, अब इसमें लिया हमने तो एन पे क्या आ गया, जनवरी आ गया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ट्रू करना था, हमने उल्टा दे दिया सर, ट्रू ट्रू करने को जैन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है देखिए जैन आ गया जी। अब जैन नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ देखिए हो गई क्रिएट जी। अब उसके अंदर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ एक मिनट इसको थोड़ा सा, उसके बाद डी ने क्या किया, डेट बना के इसने 31 निकाल लिया सर जी। अब सीट ऐड ने 31 सीट ऐड कर दिए, देखिए ऐड हो गया 31 सीट। अब ये J4 जे जाता है और एक सीट का नाम चेंज करता है, फिर दूसरे सीट का नाम चेंज करता है, तीसरे का, देखिए हर बार अपना नंबर चेंज कर रहा है ना, 4 5 6 7 दिख रहा है आपको, यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 19 11 12 13 14 16 हो गया। अभी क्या करेगा, इस फाइल को जैन को सेव करेगा, देन इसको क्लोज करेगा, ओके। अब आई क्या हो गया, आई हो गया सेकेंड, अब वापस आया आई टू हो गया, और टू दे के इसने फाइव का बनाया, फाइव बनाया और फिर फाइव नाम को फाइल खोला, देखिए फाइव नाम फाइल खुल गया जी। और फिर इसने इसके अब इसके अंदर से डेट पे क्लिक किया 28, फिर इसने 28 शीट को ऐड कर दिया जी। और फिर ये तो एक से लेके 28 तक, क्योंकि डी के ऊपर 28 है ना सर, तो आप 1 2 28 चलेगा, और उसने 28 नाम को फाइल को यहाँ पे नेम कर देना, फिर उस फाइल को सेव किया, देन क्लोज कर दिया। थर्ड टाइम क्या हुआ, ये आपका आई इक्वल टू 3, इसने देखिए एन पे मार्च आ गया और मार्च से हमको फाइल बनाया। यहाँ पे एक एक शीट्स डॉट ऐड डी माइनस शीट्स काउंट जो है, तो 31 मार्च में 31 है, तो 31 नए माइनस, पहले जो सीट इंसर्ट करते समय मतलब फाइल फाइल क्रिएट करते समय जितना शीट था उतना शीट इसने माइनस कर दिया। तो कितना शीट था, एक ही शीट था ना शायद? हाँ एक हो तीन हो जितना भी हो शीट काउंट बता देगा, देखिए हाँ शीट काउंट बता देगा, अभी तो 31 है ना, वो ऐड कर चुका है 31, हाँ तो उतना शीट बता देगा, एक होगा तो एक में माइनस करेगा, तीन होगा तो तीन करेगा, 10 करेगा। अच्छा तो डी डी अगर 31 है माइनस माइनस वन, तो 30 शीट से ऐड होना चाहिए ना? हाँ 30 शीट ऐड हुआ, समझो तो 31 पूरा हो रहा है सर, ओके तो एक्स्ट्रा शीट कोई बच रहा है उसमें। जी समझ गया, हमें जितना एंड डे चाहिए एग्जैक्टली उतना ही चाहिए, इसलिए बाकी शीट को हम माइनस कर रहे हैं जी। अब एक बार सबको रन कर दिया, अब देखिए सब वन बाय वन रन चल रहा है।
आप सोचिए कि कितना बड़ा काम था और उसको इसने हमने कोड करके कितना आसान कर दिया। ठीक है, इसमें आपने दो चीजें पढ़ी, एक नई चीज में मिला पढ़ने को। सबसे पहले लूप, लूप पढ़ाने से था कि लूप इसमें रिक्वायरमेंट। तो लूप का यूज करते हैं जब हमें एक ही कोड को कई बार रन करना होता है, तो हमें लूप यूज करना पड़ेगा। बिना लूप के फिर हम एक एक करके मैक्रो लिखेंगे तो उससे अच्छा मैनुअल क्यों ना बनाए क्या। दूसरा, इसमें आपने सीखा कि एक्सेल वर्कशीट फंक्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे से जी, और कल की क्लास में हम रेंज के बारे में डिस्कस करें।